आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुस्तक हम हिंदू नहीं, लेखक भाई कान सिंह जी नाभा। अज अगों फिर शुरू करिए। चिट्ठी हजूर साहिब अवचल नगर दी, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा नानक गुरु गोबिंद सिंह, पूरन गुर अवतार। जगमग जोत बिराजई, अवचल नगर अपार। सर्व गुण निदान प्रेमी प्यारे, सिंह साहिब कान सिंह जी को। होर सरबत खालसा जी को। लिख तुम श्री हजूर अवचल नगर साहिब जी से, पुजारी मान सिंह ने, पुजारी नारायण सिंह ने, होर सरबत ने वाहिगुरु जी की फतेह बोली है। बुलावणी जी, आपकी सुख सतगुरां पासों चाहते हैं जी। आपने जो हम हिंदू नहीं पुस्तक रवाना किया सो पहुंचा। बेशक महाराज दसवें बादशाह जी ने खालसा पंथ तीसरा हिंदू मुसलमान से अलहदा रचकर जारी किया है। और तमाम पंथ को चाहिए कि दसवें बादशाह के ऊपर ही भरोसा रखें, सवाए उनके और किसी को मददगार ना समझे। खालसा पंथ सूरज के समान प्रकाश हो रहा है। कुरीतिये अगर सूरज के तेज को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते, वो हमेशा प्रकाश रूप ही रहेगा। मिति चेत सुदी सत, सम्मत 1955। नंबर दूजा हुक्मनामा तखत केसगढ़ साहिब दा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भाई कान सिंह जी वाहिगुरु जी की फतेह है। तखत केसगढ़ साहिब की राय है कि खालसा हिंदू और मुसलमानों से तीसरा मजहब गुरु साहिब ने बनाया है, जिसका प्रमाण श्री गुरु साहिब की वाणी से और गुरबिलास पंथ प्रकाश आदि पुस्तकों से मिलता है। तारीख वैसाख 6 साल नानक शाही 430। ओंकार के समेत 17-9 है। नंबर तीजा हुक्मनामा दमदमे साहिब दा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री सतगुरु जी के प्यारे, श्री सतगुरु जी के सवारे, श्री सतगुरु जी के साजे, श्री सतगुरु जी के निवाजे। पर उपकारी सन्मुख दरबारी, गुरु बाणी के हितकारी। निर्मल बुद्ध वचन के शुद्ध, गुरु सिंहों के प्यारे। श्री सर्व उपमा जोग सिंह साहेब काहन सिंह जी को लिखतों दरबार दमदमे साहेब से सर्व महंतों की श्री वाहिगुरु जी की फतेह बोली है। बुलावणी जी, और हम हिंदू नहीं पुस्तक खालसे के दीवान में पढ़िया गया और सर्व खालसे ने इसनु पसंद किया। इस पुस्तक तो उन्होंने बहुत लाभ होवेगा जो गुरुआं दे उपदेशां तो भुल के अपने आप नु हिंदू समझते हैं। हिंदू मुसलमान ते न्यारा पंथ खालसा है, सर्व गुरमत ग्रंथों द्वारा प्रसिद्ध है। बैसाख दिन 25 साल नानक शाही 430। दस्खत दीवान सिंह, चेत सिंह, प्रेम सिंह, सुंदर सिंह, नारायण सिंह, जय सिंह महंत, उत्तम सिंह ते चंदा सिंह। नंबर चौथा हुक्मनामा मुक्तसर साहिब जी दा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री सर्व उपमा लायक भाई कान सिंह जी जोग श्री मुक्तसर साहिब गुरद्वारा बड़ा दरबार साहिब व तंबू साहिब तो सरबत खालसे जी की श्री वाहिगुरु जी की फतेह बोली है। बुलावणी जी, तखत साहिब की राय है कि गुरु साहिब ने हिंदू और मुसलमाना तो अलग तीसरा पंथ खालसा सजाया है, जिस दा प्रमाण गुरु साहिब की बाणी और गुरबिलास आदक पुस्तकां विच विस्थार नाल है। बैसाख संगरांदों 27 साल नानक शाही 430। दस्खत महिण सिंह, रण सिंह,
हरदित सिंह, लहणा सिंह, दान सिंह, प्रदुमन सिंह, मताप सिंह, जोध सिंह, भाई भगत सिंह ते भाई गुरबख्श सिंह। नंबर पंजवां चिट्ठी चीफ सकत्तर खालसा दीवान लाहौर दी। नंबर 115 तारीख 4 मई सन 1899। एक ओंकार श्री युत भाई कान सिंह जी, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आप दी पत्रिका हम हिंदू नहीं पुस्तक सहित पहुँची अते दीवान दी कमेटी विच पेश कीती गई अते आप दा पुस्तक पढ़िया गया। आप ए दरियाफत करदे हो के खालसा दीवान दी राय इस विच, खालसा दीवान दी राय विच इस ग्रंथ विच कोई बात खालसा धर्म विरुद्ध तां नहीं लिखी गई, जिस दे उत्तर विच मैनू उक्त कमेटी वल्लों यह हदायत हुई है कि मैं आप नूं इतलाह दियां कि कमेटी दी राय विच इस ग्रंथ विच कोई लेख खालसा धर्म विरुद्ध नहीं, किंतु सब लेख खालसा धर्म अनुकूल हैं। कमेटी ने इस ग्रंथ नूं बहुत विचार नाल देखिया है। इस ग्रंथ विच ये उत्तमता देखी गई है कि बात बात पर श्री मुखवाक प्रमाण दिखाए गए हैं। खालसा पंथ के रचने का जो मुख सिद्धांत गुरु साहिबान का था कि खालसा धर्म और खालसा पंथ सब धर्मों और पंथों से भिन्न है और श्रेष्ठ है, सो भले प्रकार उत्तम रीति से आपने खोल कर लिख दिया है। आपका शुभ चिंतक निक्का सिंह, ज्वाइंट चीफ सकत्तर खालसा दीवान। नंबर 6 गुरपुर निवासी महाराजा साहिब नाभे ने श्री अमृतसर जी के खालसे की इस रसाले पर सम्मति मंगी, जिस पर सब श्रोमणी सिंघा ने 16 वैसाख साल 1956 बिक्रमी नू अगे लिखा लेख महाराजा दे पेश किया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतह। असी अकाल पुरख परमेश्वर का मनो तनो धन्यवाद करते हैं जिसने अपनी परम कृपालता नाल सानू मनुख जन्म अर अपना निज धर्म खालसा धर्म और तीर्थ राज परम पवित्र नगर श्री अमृतसर जी विच निवास दिता। पुन असी उस दी होर भी कृपालता ये समझते हाँ जो उसने सानू न्यायकारी निरपक्ष सरकार के राज में जीवन दिता, जिस करके असी स्वतंत्र स्वै धर्म की चर्चा कर सकते हाँ और पंथ में सर्व प्रकार करके प्रधान सबके मान्य अत विद्वान धर्म कार्यों में जिन्हों का ध्यान बड़े कदरदान कृतज्ञ गुणज्ञ गुणग्राहक निरपक्ष और न्यायकारी निज इष्ट में निष्ठावान गुरु भगत में अनुकृत आप जैसे महाराजे दिते, असी खुशामद करते नहीं सच सच कहते हाँ कि जो पंथ हितैषी विद्वान गुरमुख सिख हैं सो हजूर का सिर पर होना गनीमत समझते हैं, क्योंकि जब तोड़ी पुरश के सिर पर कुल का राज का गुरु का अते परमेशर का पै रहिंदा है तद तोड़ी ही वह मर्यादा में चलता है जो सरबत्था सुखदायक हुंदी है। श्री महाराजा ने श्री मुख ते आज्ञा कीती है हम हिंदू नहीं नामे पुस्तक पर असी राय देईए, इस दे उत्तर वास्ते कदाचित कुछ समा मिल जाता तो एक सुंदर पुस्तक तैयार हो सकता, शीघ्रता नाल उत्तर देने में अवश्य कुछ ना कुछ कठिनाई पैंदी है और धर्म चर्चा के प्रश्नों के उत्तर पक्षपात रहित यथावत होने उचित हैं। इस कारण असी ये चंगा समझते हाँ जो प्रजा का धर्म है कि राजा के सन्मुख सच सच कह देवे और सच्चियां सच्चियां गवाहियां पेश करे और न्याय करना
राजा का धर्म हुंदा है। सो राजा उन वादी प्रतिवादी अर्थात मुद्दई मुदाला और गवाहां दे कथन पर विचार करके फैसला कर देंदा है। असी अपने बुद्ध अनुसार बाणिया दे प्रमाण श्री महाराज दे दृष्टि गोचर करते हाँ, जिन्हां नाल बिना पक्षपात दे सिद्ध हुंदा है कि खालसा पंथ हिंदू मुसलमान से भिन्न तीसरा पंथ है। सो गुरु प्यारी साह संगत जी, अज का प्रसंग इत्थे ही समाप्त करते हैं। कल मुड़ फिर शुरू करांगे। देव आग्या। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।